कहते हैं यदि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो वो केवल परम राम भक्त हनुमान ही हैं। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है, उनका वेग वायु से भी तेज माना जाता है। हनुमान जी न सिर्फ परम राम भक्त हैं बल्कि रुद्र अवतार भी हैं। हनुमान जी को अपार शक्तियों का स्वामी और तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली भगवान माना जाता है। इतने बलवान, इतने शक्तिमान और इतने बुद्धिमान होते हुए भी पवन पुत्र हनुमान अहंकार से बहुत दूर हैं। भगवान के सभी अवतारों के विपरीत, जिन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद इस पृथ्वी को त्यागना पड़ा, वहीं भगवान हनुमान जी को भगवान शिव जी द्वारा मृत्युंजय का वरदान प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है वो सदा अमर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं राम भक्त हनुमान जी से जुड़े कुछ खास रहस्य। नंबर एक, भगवान राम से पहले जन्मे थे हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में स्थित हम्पी के निकट मतंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। नंबर दो, कल्प के अंत तक शरीर में ही रहेंगे हनुमान। हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छामृत्यु का वरदान, भगवान शिव से मृत्युंजय का वरदान, माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देशानुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना है और कल्प के अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। भगवत गीता के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर थ्री, हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को तीन वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर ना होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई है तो वह हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। नंबर चार, सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। जी हाँ, सही सुना आपने, हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर रामायण को अपने नाखूनों से उकेर कर लिखा था। लेकिन जब तुलसीदास अपनी रामायण हनुमान जी को दिखाने वहाँ पहुँचे तो उनकी रामायण देखकर वह दुखी हो गए, क्योंकि वह रामायण बहुत ही सुंदर लिखी गई थी और उनकी रामायण उसके आगे फीकी लगी। जब हनुमान जी को तुलसीदास जी के मन की बात पता चली तो उन्होंने अपनी लिखी रामायण को तुरंत ही मिटा दिया। नंबर पाँच, हर 41 साल के बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगल में रह रहे आदिवासियों से मिलने आते हैं। इन आदिवासी समूह के लोगों को मातांग नाम दिया गया है। कहा जाता है भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के आदिवासी लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने वादा किया कि वह हर 41 साल के बाद वहाँ आकर कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। और तब से हर 41 साल के बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में रह रहे मतंग आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। नंबर छह, हनुमान जी के पसीने का रहस्य। हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। कहते हैं जब हनुमान जी रावण की लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे, तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया और उनके पसीने की शक्ति से उनका एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हुआ, जिसका नाम था मकरध्वज। नंबर सात, हनुमान जी के 108 नाम। हनुमान जी के 108 नाम हैं। संस्कृत में हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। यही कारण है कि उनके नाम का जाप करने भर से हनुमान जी की कृपा मिलती है। नंबर आठ, माता आदिशक्ति के सेवक हैं हनुमान जी। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ साथ माता आदिशक्ति के भी सेवक माने गए हैं। जब माता चलती हैं तो आगे हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा। यही कारण है जहाँ भी देवी का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी और भैरव जी का मंदिर जरूर होता है। नंबर नौ, हनुमान जी की गदा। हनुमान जी के पास ऐसे तो कई दिव्यास्त्र हैं जो भगवान विष्णु या भगवान शिव के अलावा किसी अन्य देवता के पास नहीं है। हनुमान जी को जिस अस्त्र के साथ सबसे ज्यादा देखा जाता है वह है उनकी गदा। कहते हैं जितना बल हनुमान जी की भुजाओं में था उतना ही बल उनकी गदा में भी था।
यहाँ तक कि बल के साथ साथ उनकी गदा से जुड़े कई रहस्य आज भी पहले बने हुए हैं। यह गदा हनुमान जी को कुबेर देव ने उनकी शक्तियों से प्रसन्न होकर उपहार के रूप में दी थी और वरदान दिया था कि जब भी वह किसी से भी इस गदा को हाथ में लिए युद्ध करेंगे उन्हें कभी कोई परास्त नहीं कर सकेगा। नंबर 10, हनुमान जी ने किया दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा। हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियाँ जिनके जरिए तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का खुलासा किया था, जिसे दुनिया के कई वैज्ञानिक प्रमाणित भी कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरज से पृथ्वी की दूरी के बारे में। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन हजारों वर्ष पहले ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में बताया था कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिहोता ही मधुर फल जानु, यानी एक जुग 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000 वर्ष, एक जोजन 8 मील। यहाँ पर भानु का मतलब सूर्य है। अब यदि युग, सहस्त्र और योजन को गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या लगभग उतनी ही आएगी जितने हमारे वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। भगवान हनुमान जी की दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा वीर अभय अंजनी हनुमान स्वामी है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा शहर में स्थित है। यह मूर्ति 2003 में स्थापित की गई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 135 फीट है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्कार।